दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको कीबोर्ड की पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि कीबोर्ड में आखिर कितने बटन होते हैं, और साथ में हम लोग बात करेंगे कि कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि कीबोर्ड की ये मास्टर क्लास होने वाली है, और आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप कीबोर्ड के मास्टर बन जाओगे, यानी कि कीबोर्ड के बारे में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। तो ये जो कीबोर्ड होता है, इसमें कुल 104 बटन होते हैं। किसी किसी कीबोर्ड में 105 बटन भी होते हैं, और जो स्पेशल कीबोर्ड होते हैं उनमें जो है 108 बटन होते हैं। ज़्यादातर जो नॉर्मली यूज में कीबोर्ड आते हैं उसमें 104 बटन ही होते हैं। किसी भी दुकान पर या फिर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह में जो नॉर्मली कीबोर्ड इस्तेमाल होते हैं उसमें 104 कीज़ यानी 104 बटन होते हैं। अब बात करते हैं कि कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। तो कीबोर्ड को कुल 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग को बोलते हैं फंक्शन कीबोर्ड। इसको फंक्शन कीज़ के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 1 से लेकर के 12 तक यानी 12 तक कीज़ होती हैं। और जो दूसरा भाग है वो सबसे बड़ा भाग है। इसको जो है अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड बोला जाता है। इसको आप अगर मेन कीबोर्ड भी कहो तो गलत नहीं होगा। इसे अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिकल लेटर भी होते हैं और साथ में न्यूमेरिकल लेटर भी होते हैं। बात करें ये जो अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड है, तो इसमें जो है टोटल 62 बटन होते हैं, यानी 62 बटन होते हैं। ये सब जो बटन दिए गए हैं, ये सब के सब बटन इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें तीसरे भाग की, तो वो ये है। इस भाग को जो है कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड बोला जाता है। इससे हम जो है अपने कर्सर को कंट्रोल करते हैं। और चौथे भाग की बात करें तो ये है, इसको न्यूमेरिकल कीपैड या कीबोर्ड बोला जाता है, जिसमें नंबरिंग होती है। अब जो है हम लोग बारी बारी से सभी बटन्स का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं कि कौन सा बटन किस काम में आता है। तो सबसे पहले ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस बटन का नाम ESC है, यानी एस्केप की बटन। ये बटन हमारे तब काम में आता है जब हम किसी प्रोग्राम या फाइल को एग्ज़िट करना चाहते हैं, यानी किसी प्रोग्राम या फाइल में से बाहर जाना चाहते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल टैली में यूज़ होता है, टैली के सॉफ्टवेयर से बाहर आने के लिए। वहीं नीचे की साइड में ये जो देख सकते हो ये बटन, इन बटन्स का इस्तेमाल करके आप जो है नंबरिंग भी टाइप कर सकते हो, साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर भी टाइप कर सकते हो। जैसे कि अभी हम MS वर्ड में हैं और यहाँ पर अगर मुझे नंबरिंग टाइप करनी है, तो ये जो ऊपर के लेटर दिए गए हैं इनमें से आप कोई सा भी नंबर टाइप कर क्लिक करोगे तो वो टाइप होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है 4 5 6 7 8 इस तरीके से प्रेस कर रहा हूँ, तो ये नंबर टाइप हो रहे हैं। लेकिन अगर इसी में मुझे ये जो ऊपर की साइड में स्पेशल कैरेक्टर दिए गए हैं, अगर इन्हें टाइप करना होगा, तो इसके लिए हमको जो है ये जो शिफ्ट बटन दिया गया है इसको दबा करके इन नंबर्स को प्रेस करना होगा, यानी इन बटन्स को प्रेस करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं जैसे ही शिफ्ट बटन दबा करके अगर @ मुझे बनाना है, तो 2 नंबर का जो बटन है उसको दबाऊँगा तो @ आ जाएगा। शिफ्ट बटन आपको दबा के रखना है, ये ध्यान देना है। इस तरीके से आप शिफ्ट बटन दबा के कोई भी ऊपर वाले नंबर में से स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ पर जो है टाइप कर सकते हैं। और ये जो कीबोर्ड है वो QWERTY कीबोर्ड है, और इसका आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हो कि सबसे फर्स्ट में ही QWERTY लिखा है, यानी कि ये QWERTY कीबोर्ड है। और प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर QWERTY टाइप के कीबोर्ड ही आते हैं। इन बटन्स के नीचे एक आपको मिलेगा टैब बटन। अब चलिए इस बटन के बारे में जान लेते हैं। तो टैब का मतलब होता है एक से ज़्यादा स्पेस अगर आपको लेना है तो आप टैब बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अगर मुझे जो है स्पेस चाहिए एक से ज़्यादा, यानी काफ़ी लंबा स्पेस चाहिए, तो मैं जैसे ही कीबोर्ड से टैब बटन दबाऊँगा तो आप देख सकते हो यहाँ से कि इतनी दूरी का स्पेस हमें जो है मिल चुका है। तो अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप टैब बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जो अगला बटन हमारा है वो है कैप्स लॉक बटन।
इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है कैप्स लॉक यानी कैपिटल लेटर को लॉक कर दोगे। अगर ये बटन ऑन होगा तो यहाँ पर ये जो ए टाइप है इस ये बटन जो है जल जाएगा, यानी यहाँ पर एक बत्ती जलेगी। और जब ये बत्ती जलेगी तो ये जो लेटर हैं, जो भी ये लेटर दिए गए हैं, अगर आप इसमें से कोई भी लेटर टाइप करोगे तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और मैं अपने कीबोर्ड से जो है कैप्स लॉक बटन को ऑन कर देता हूँ। कैप्स लॉक बटन को ऑन करने के बाद जैसे ही मैं कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करूँगा तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। अब बात करते हैं शिफ्ट बटन की। तो इस बटन का इस्तेमाल करके अगर आपको कोई एक लेटर कैपिटल में लिखना हो या फिर कोई एक लेटर स्मॉल में लिखना हो तो आप जो है इस बटन को होल्ड करके रखेंगे यानी दबा के रखेंगे और उस लेटर को दबाएंगे तो वो कैपिटल में भी आ जाएगा, स्मॉल में भी आ जाएगा। कैसे करना है चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे कि अभी जो है मेरा कैप्स लॉक बटन ऑन है और मैं कुछ भी लिखूँगा तो कैपिटल लेटर में टाइप हो रहा है, लेकिन इस बीच में अगर मुझे इस स्मॉल लेटर में लिखना होगा तो इसके लिए मैं अगर शिफ्ट बटन दबा के उस लेटर को प्रेस करूँगा तो वो स्मॉल में आ जाएगा। अगर मैं जो है कैप्स लॉक बटन को ऑफ कर देता हूँ और इसके बाद कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो स्मॉल में टाइप हो रहा है, लेकिन इस बीच में अगर मुझे जो है कोई लेटर को कैपिटल लेटर में टाइप करना होगा तो इस बीच में मैं अगर शिफ्ट के साथ उस बटन को दबाऊंगा तो वो जो है कैपिटल लेटर में टाइप होगा। आप इस तरीके से समझिए, काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि ये जो है पैराग्राफ लिखा गया है और इस पैराग्राफ के शुरू में आप देख सकते हो ये जो वी है ये कैपिटल लेटर में लिखा है। इसी तरीके से अगर मुझे जो वीडियो लिखना है वो कैपिटल लेटर में वी लिखना है तो मैं पहले वी मतलब शिफ्ट दबाऊंगा, इसके बाद वी दबा दूंगा, तो इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, इसके बाद आई डी ई ओ। इस तरीके से आप जो है शिफ्ट बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं ये जो नीचे बटन दिया गया है जिस पे लिखा है CTRL, इसका फुल नेम है कंट्रोल। इस बटन से आप जो है काफ़ी सारे शॉर्टकट बनाते हो। जैसे कंट्रोल ए दबाओगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल एस दबाओगे तो सेव का आ जाएगा, कंट्रोल एक्स दबाओगे तो कट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और इसे मुझे सेलेक्ट करना है, तो सभी को अगर सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल के साथ दबा के उसको रखना है कंट्रोल को, और उसके बाद ए दबाओगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप कंट्रोल दबा के ही रखोगे और एक्स दबा दोगे तो कट हो जाएगा। फिर दोबारा से अगर आपको जो है उसे वापस लाना है तो इस कंडीशन में आप कंट्रोल जेड करोगे तो वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कंट्रोल का इस्तेमाल शॉर्टकट्स बनाने में बहुत ज़्यादा काम में आता है। उसी के बगल में आपको एक बटन दिखाई देगा विंडोज़ का, तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन को ओपन कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग जो है यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ गए हैं, आपको क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन बस दबाना है और आपका जो है स्टार्ट बटन चालू हो जाएगा। आप क्या करिए कि जिस भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर आप बैठे हैं विंडोज़ बटन दबा के देखिए, स्टार्ट बटन खुल जाता है। अब बात करते हैं इसी के बगल में एक बटन है जिस पे लिखा हुआ है ALT। इसका फुल नेम की बात करें तो इसका नाम है अल्टर। जिस तरीके से कंट्रोल के साथ दूसरी की को दबाने पर एक शॉर्टकट बनता है, ठीक उसी तरीके से अल्ट के साथ किसी दूसरी बटन को दबाने से भी शॉर्टकट बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल ओपन कर लिया हूँ और मुझे डायरेक्ट इस सॉफ्टवेयर से बाहर आना है, तो इस कंडीशन में मैं अल्ट के साथ F4 बटन दबा दूंगा तो डायरेक्ट मैं वहाँ से जो है बाहर चलाऊंगा और वो प्रोग्राम जो है क्लोज हो जाएगा यानी डायरेक्ट बंद हो जाएगा। तो अल्ट बटन का यानी अल्टर बटन का इस्तेमाल भी शॉर्टकट के रूप में ही काम आता है। अल्ट को मिलाकर, कंट्रोल को मिलाकर और शिफ्ट को मिलाकर ये तीनों कॉम्बिनेशन की बोला जाता है और ये मॉडिफाई की भी बोला जाता है। इन सभी को मिला करके शॉर्टकट बनाए जाते हैं। जब हम आगे आने वाले वीडियो में शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे तो इनसे जो बने हुए शॉर्टकट हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब बात करते हैं इसी के बगल में एक बटन है जिसको स्पेस की बोला जाता है। स्पेस का मतलब होता है जगह। अगर आपको जगह बनानी है बीच में तो आप वहाँ पर जगह बना सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं जैसे कि यहाँ पर आने के बाद स्पेस की अगर दबाऊँगा तो यहाँ पर देखिए स्पेस बन गया है। इसके बाद जो है आप जो भी टाइप करोगे फिर स्पेस की दबाओगे तो स्पेस बनता चला जाएगा।
यानी कि अगर आपको किसी वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए तो आप स्पेस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो बटन दिए गए हैं, जैसे अल्ट हुआ, शिफ्ट हुआ और विंडोज हुआ और कंट्रोल, ये सारे के सारे बटन इधर भी दिए गए हैं, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसा इसलिए किया जाता है कीबोर्ड में कि जब हम लोग कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं तो ये जो इधर का एरिया है इतना हम लोग राइट हैंड से मतलब यूज़ में ले लें, और ये जो इतना एरिया है इसको हम लोग जो है लेफ़्ट हैंड से यूज़ में ले लें, ताकि जब भी हमें शिफ्ट की ज़रूरत पड़े और इधर के बड़े लेटर टाइप करने पड़े तो हम इधर का शिफ्ट दबा के ये बड़ा लेटर टाइप कर लें, और इधर के बड़े लेटर टाइप करने की ज़रूरत पड़े तो इधर का शिफ्ट या फिर कंट्रोल, मतलब जो भी इधर का काम हो हम इधर से दबा लें, दूसरे हाथ से इधर का कर लें, और अगर इधर का काम है इन बटन्स का तो हम इन बटन्स को दूसरे हाथ से दबा के दूसरे हाथ से जो हमारा दाहिना हाथ है ये इन बटन्स को हम इस्तेमाल में ले लें। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि यह हमारे सहूलियत के लिए दो बटन दिए गए हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। उसी के ऊपर एक बटन दिया गया है इंटर का। इस बटन का काम जो है किसी प्रोग्राम या फाइल में इंटर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आप कहीं पर फॉर्म वगैरह भर रहे हो और आप अगर इंटर बटन दबा देते हो तो वो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है। वहीं जो है इंटर बटन का काम एक नई लाइन बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसके बाद जो है अब टाइप नहीं करना है और इसके बाद एक नई लाइन बनानी है, तो इसके लिए मैं कीबोर्ड से इंटर बटन दबाऊंगा तो एक नई लाइन बन जाएगी और शुरू से हम यहाँ पर कुछ टाइप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, इसी के ऊपर एक बटन है बैक स्पेस का। इस बटन का काम हम लोग जो है कोई गलती हो जाती है तो उसको बैक करने के लिए यानी उसको कट करने के लिए करते हैं। चलिए मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे इन सभी को कट करना है तो मैं कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन दबाऊंगा, जितनी बार दबाऊंगा उतने वर्ड यहाँ से कट होंगे। अगर एक से ज़्यादा वर्ड आपको कट करने हैं तो माउस का लेफ्ट बटन दबा के उतने वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन दबाइए, वो सारे के सारे वर्ड वहाँ से जो है डिलीट हो जाएंगे यानी कि कट हो जाएंगे। अब बात करते हैं इन बटन्स के बारे में, तो ये बहुत ही काम के बटन हैं, जिसमें ये जो सबसे पहला बटन है इसको बोला जाता है प्रिंट स्क्रीन बटन। इस बटन को दबाने से आपका क्या होगा कि जो भी आपके डेस्कटॉप पे जो भी आपकी स्क्रीन है उस पर जो भी प्रोग्राम चालू होगा उसका एक स्क्रीनशॉट कॉपी हो जाएगा और आप उसे जो है कहीं पर भी पेस्ट करके उसे सेव कर सकते हो। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि इससे हम लोग जो है स्क्रीनशॉट लेने का काम करते हैं। उसी के बगल में एक बटन है स्क्रॉल लॉक। अगर आप जो है इस बटन को दबा देते हो तो यहाँ पर ये देखिए ये जो बटन है यहाँ पर ये जलने लगेगा। इस बटन के दबाने से यहाँ पर एक बत्ती जलने लगेगी इस पर, और ये जब बत्ती जलने लगेगी तो ये जो स्क्रॉलिंग का मतलब ये जो माउस को हम लोग ऊपर नीचे दाएं बाएं लेके जाते थे कर्सल को, तब ये कर्सल ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं जाएगा, ये माउस का काम करने लगता है। और इसी के बगल में एक बटन है पेज ब्रेक का। तो इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका काम है किसी भी पेज में ब्रेक लाना, ब्रेक मतलब तोड़ देना वहीं से। मान लीजिए आपको किसी पेज में बस उतना ही टाइप करना था और इस बटन को आप दबा देते हो तो पेज में ब्रेक लग जाता है, यानी पेज वहीं से जो है टुकड़ों में बढ़ जाता है, ऊपर का हिस्सा अलग हो जाएगा नीचे का अलग हो जाएगा। उसी के बगल में एक बटन है इंसर्ट का। तो किसी भी टेक्स्ट के बीच में कोई दूसरा टेक्स्ट अगर आपको इंसर्ट करना हो तो आप इस बटन का इस्तेमाल करते हैं। इसी के ठीक नीचे एक बटन है डिलीट बटन का, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिलीट बटन का इस्तेमाल हम लोग किसी भी टेक्स्ट को या फिर फाइल को या फिर फोल्डर को या फिर फ़ोटोज़ को डिलीट करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम जैसे इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट बटन दबाएंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप कोई फ़ोटो या फिर डेस्कटॉप पे रखी फाइल वगैरह को भी सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाते हो तो वो डिलीट हो जाती है। इसी के जस्ट बगल में एक बटन है होम बटन का। तो होम बटन का इस्तेमाल हम लोग जो है किसी भी टेक्स्ट के जो होम होता है वहाँ पर जाने के लिए करते हैं, यानी शुरुआत में जाने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, अभी आप देख सकते हो ये कर्सर टिमटिमा रहा है, और जैसे ही मैं कीबोर्ड से होम बटन दबाता हूँ तो देखिए इस लाइन के हम लोग होम पे चले गए हैं। और इसी के नीचे एक बटन है एंड बटन।
इंड बटन जो है होम का अपोजिट है। जैसे कि हम लोग जो है ये जो टेक्स्ट लिखा है हमने इस लाइन के होम पर हैं, और जैसे ही मैं कीबोर्ड से इंड बटन दबाता हूँ तो हम इस लाइन के लास्ट में आ जाएंगे। यानी आप अपने कीबोर्ड से होम बटन दबाओगे तो इस लाइन के शुरू में चले जाओगे, वहीं अगर आप जो है कीबोर्ड से इंड बटन दबाते हो तो उस लाइन के लास्ट में आप चले जाओगे। अब बात करते हैं एक बटन और यहाँ पर है, पेज अप। पेज अप बटन का काम होता है कि पेज को ऊपर लेके जाना। जैसे कि मान लीजिए मैं पेज के सबसे नीचे हिस्से पर हूँ, और जैसे ही मैं कीबोर्ड से पेज अप बटन दबाता हूँ तो मैं जो है पेज के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर आ जाऊँगा। वहीं नीचे की साइड में दिया गया है पेज डाउन, तो ये जो है पेज अप का पेज डाउन अपोजिट है। जैसे कि मैं पेज के ऊपरी हिस्से पर हूँ और मुझे नीचे की साइड में जाना है, तो इस कंडीशन में मैं कीबोर्ड से पेज डाउन बटन दबाऊंगा तो मैं पेज के नीचे साइड में आ जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर चार बटन्स दिए गए हैं जो कि ऊपर की साइड, नीचे की साइड, दाएं और बाएं की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कि इससे जो है जो आपका कर्सल है उसको आप कंट्रोल करते हो ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आ गया हूँ और मैं अपने कीबोर्ड से अगर अप कर्सल दबाऊंगा यानी ऊपर वाला, तो मैं देखिए ऊपर की साइड में जा रहा हूँ। वहीं अगर मैं नीचे वाला कर्सल दबाता हूँ तो देखिए हमारा जो ये माउस जो कर्सर है वो नीचे की साइड में आ रहा है कर्सर, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं अगर राइट की साइड में दबाता हूँ तो राइट में जा रहा हूँ, और लेफ़्ट की साइड में दबाता हूँ तो लेफ़्ट जा रहा हूँ। तो ये जो चार बटन हैं इनका इस्तेमाल कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के बारे में जिसको न्यूमेरिक कीबोर्ड बोला जाता है। इसमें ये जो सबसे पहला बटन दिया गया है इसको नंब लॉक बोला जाता है। अगर ये नंब लॉक बटन आपका ऑन नहीं रहेगा तो ये जो ये 1 से लेकर 9 तक कीज़ हैं ये काम नहीं करती हैं। ये इसको ऑन करने के लिए जैसे ही आप इस पर प्रेस करोगे तो ये जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पर एक बत्ती जलेगी, और बत्ती जलते ही आप ये समझ जाएंगे कि ये ऑन हो चुका है। जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक 1 से लेकर 9 तक ये जो कीज़ हैं ये काम नहीं करेंगी, बाकी ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ से नंब लॉक के बारे में आपको पता चल गया होगा, और यहाँ से आपको तो पता है कि नंबरिंग ही टाइप होगी। नंबरिंग वैसे आप यहाँ से भी टाइप कर सकते हो, लेकिन इसके मुकाबले में यहाँ से टाइप करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। वहीं पर ये जो सारे बटन दिए गए हैं, ये जो भाग का बटन है, अगर कोई भाग वगैरह करना हो तो आप इस बटन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो गुणा का बटन है, और इसी के बगल में है माइनस, प्लस है, इंटर बटन है, और एक डिलीट डेल बटन है, और ज़ीरो है। एक इंटर बटन यहाँ पर भी दिया गया है और ये एक इंटर बटन यहाँ पर भी दिया गया है। दोनों का काम सेम है, आप कोई सा भी बटन इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं इस कीबोर्ड में ऊपर की साइड में भी ये 3 बटन दिए गए हैं, जिसमें से ये जो बटन है ये जिसमें प्लस का सिंबल है, इससे आप अपने कंप्यूटर की वैल्यूम को यानी आवाज़ को बढ़ाओगे, और इससे जो है आवाज़ को कम किया जाता है, और इससे जो है म्यूट किया जाता है यानी आवाज़ पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस कीबोर्ड में जो मैंने कीज़ को छोड़ा है वो F1 से लेकर के F12 तक हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कीज हैं किसी स्पेशल काम में ही इस्तेमाल होती हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं स्पेशल इस पर एक वीडियो बना करके सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बारे में जानकारी दूंगा। उसमें आपको पूरा कंप्लीट बता दूंगा कि F1 से लेकर के F12 तक की का जो है क्या काम होता है और कैसे इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो अब जो है आपके दिमाग में ये सारी कीज़ जो है छप गई होंगी कि किस कीज़ का क्या काम होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है या सुझाव है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।